और कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र में कुछ दिनों से गांव और आसपास के क्षेत्रों में कार सवार कुछ लोग बकरा चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, तो कल रात फिर से चोरी की घटना को साढ़ थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में अंजाम दिया गया। बकरा चुराने की घटना की जानकारी बकरा मालिक को लगते ही उसने चोरों का पीछा किया और जिस दिशा में चोर भाग रहे थे उसी दिशा में आगे वाले गाँव में फोन के जरिए रास्ता रुकवा दिया। जब बकरा चोरों ने गांव वालों के बीच घेरा पाया तो वह अपनी गाड़ी छोड़ मौके से भाग खड़े हुए। गांव वालों ने गाड़ी के अंदर से आधा दर्जन बकरों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर गाड़ी नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक और बकरा चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। रामेश्वर जी, आप कहाँ रहते हैं? सुंदरपुर। अच्छा, क्या घटना आपके साथ हुई है? बकरी चोरी हुए। अच्छा, कब चोरी हुए थे? ये आज 3 बजे। क्या पकड़े आप, कहाँ पर आए हुए आज? वो रोड ऐसे किनारे खटिया पड़ी थी। अभी आप कहाँ पर आए हुए? तो बकरी क्या पकड़ी गई है? क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि 3 बजे हमारे 2 बकरे खुले और जब हमें जानकारी हुई, एक चाची ने बताया सुबह 3:30 बजे कुछ टाइम होगा, तो फिर हम अपनी गाड़ी से पीछा किया, फिर वहाँ पे मौलिया पे फोन किया दोस्तों को, वहाँ पे पिकअप खड़ी थी रोड पे, तब ये पकड़े मिले। कौन पकड़े मिले? कौन सी गाड़ी थी? सेंट्रो गाड़ी थी, उसमें 6 बकरी थी पूरे मिला के। तो क्या गाड़ी पकड़ी गई? किसने पकड़ा है? किसके गाड़ी? हम ही लोगों ने पकड़ा है। हाँ। और बाद में प्रशासन पहुंचा। रामेश्वर